नमस्कार, स्वागत है आपका 7i न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए नजर डालते हैं अब तक के हेडलाइंस पर। मुंबई से दिल्ली जाने वाले इंडिगो फ्लाइट में मिली बम की धमकी, 3 बार जवानों की गोलियों से बचा आज आतंकी जहूर का काम तमाम। ऐसी से झटके के बाद कांग्रेस को PAC का सहारा, CAG को तलब करने की तैयारी। राहुल पर विजय वर्गीय का वार, विदेशी स्त्री की संतान नहीं हो सकती देश प्रेमी। और जाने के CM की रेस में गहलोत से क्यों पिछड़ गए पायलट। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मुंबई से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट में बम रखने की धमकी मिली है। मुंबई एयरपोर्ट पर स्थित इंडिगो को सिक्योरिटी ऑफिस ने दिल्ली आ रही फ्लाइट में बम रखे होने की धमकी वाला फोन रिसीव किया। मुंबई से दिल्ली आने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट में बम रखे जाने की धमकी मिली है। मुंबई एयरपोर्ट पर स्थित इंडिगो के चेक इन काउंटर आकर एक महिला ने बताया कि दिल्ली के लिए रवाना होने वाली फ्लाइट में बम रखा हुआ है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसी उसके साथ पूछताछ कर रही है। सेना के जवान औरंगजेब की हत्या में शामिल जहूर ठोकर को पुलवामा में मार गिराया गया। वहां पिछले साल जुलाई के टेरिटोरियल आर्मी से हथियार लेकर फरार हुआ था। जम्मू कश्मीर में शनिवार को सुरक्षा बलों को सबसे बड़ी कामयाबी मिली। हिजबुल के प्रमुख कमांडर जहूर अहमद ठोकर को उसके 2 आतंकियों के साथ मार गिराया गया। ठोकर पुलवामा जिले का रहने वाला था और पिछले साल जुलाई में 173 टेरिटोरियल आर्मी से हथियार लेकर भाग कर हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था और सुरक्षा बल उसकी तलाश में जुटी थी। पिछले 1.5 साल से जम्मू कश्मीर में सक्रिय होकर ठोकर ने कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया था, जिसमें करीब 4 सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पिछले 1.5 साल के दौरान जहूर ठोकर 3 बार अलग अलग मुठभेड़ों में बचकर निकलने में कामयाब रहा। शुक्रवार रात सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि ठोकर पुलवामा जिले के पास शिरडी गांव में छिपा हुआ था, तो रात में ही गांव की घेराबंदी शुरू कर दी गई और सुबह होते होते जहूर ठोकर को 2 साथियों के साथ मार गिराया गया। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ जबकि 2 अन्य घायल हुए। राफेल विमान की कीमतों को लेकर PSP अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि CAG को तलब किया जाएगा। वहीं BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर रिपोर्ट नहीं मिली तो कोर्ट जाएंगे। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद भी कांग्रेस आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद शनिवार को PSC लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं लोक लेखा समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अटॉर्नी जनरल और CAG को यह बात पूछने के लिए तलब करें कि राफेल सौदे पर CAG की रिपोर्ट कब संसद में पेश की जाएगी। खड़गे की प्रतिक्रिया के बाद BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली तो कोर्ट में जाकर एफिडेविट या रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लिए बिना विदेशी स्त्री से उत्पन्न संतान के देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम पर शक जाहिर किया। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद अधिकतर BJP भारतीय जनता पार्टी नेता खामोश हैं। वहीं पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, विदेशी स्त्री से उत्पन्न संतान कभी देश हित और राष्ट्र प्रेम का अनुगामी नहीं हो सकता। विजयवर्गीय ने इस ट्वीट को UPA अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि हाल में संपन्न हुए चुनावों में BJP को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा है। 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 3 राज्यों में CM कौन होगा, ये फैसला राहुल गांधी पार्टी पर्यवेक्षकों और नेताओं से मुलाकात करने के बाद ही ले रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे। छत्तीसगढ़ का फैसला अभी नहीं आया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर लंबा संघर्ष देखने को मिला। 3 दिन चले कांटेदार मुकाबले में सचिन पायलट अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री पद की रेस में पिछड़ गए। हालांकि संघर्ष के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दोनों गुटों में एकजुटता दिखाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया था। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही रस्साकशी अब खत्म हो गई है और युवा जोश के आगे अनुभव ने बाजी मार ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को राज्य की कमान सौंपने का फैसला कर लिया। हालांकि इसके लिए ये फैसला करना इतना आसान नहीं था।
कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के अनुसार 11 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों गुट अपनी दावेदारी छोड़ने को राजी नहीं थे और यही कारण रहा कि परिणाम आने के बाद 3 दिन तक राज्य के इस शीर्ष पद के लिए संघर्ष चलता रहा। आखिरकार वो क्या कारण रहे जिनमें लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़े रहने वाले सचिन पायलट अंत में रेस से पिछड़ गए, हम यहाँ आपको अहम कारण बताने जा रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने खुद को एकजुटता दिखाया, राज्य के दो बड़े नेता गहलोत और पायलट ने भी पार्टी में एकजुटता दिखाई और दूसरी तरफ दोनों गुट मुख्यमंत्री पद हासिल करने की कोशिश में जुटे रहे, विधायकों का नहीं मिला समर्थन। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि 12 दिसंबर को जयपुर में पार्टी दफ्तर में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई जिसमें गहलोत और पायलट दोनों ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा पेश किया था। बैठक में पार्टी के पर्यवेक्षक केसी वेणुगोपाल ने बताया कि निर्वाचित विधायक स्लिप या पर्ची के जरिए गहलोत और पायलट में किसी एक का चयन करें। सूत्र बताते हैं कि बैठक में करीब 70 विधायकों ने गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए जाने का समर्थन किया। इसके अलावा गहलोत कैंप ने 10 से ज्यादा निर्दलीय विधायकों को समर्थन का दावा भी किया। इसमें से कई निर्दलीय विधायकों ने खुलकर गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए जाने का समर्थन किया था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 7i News के साथ। नमस्कार।